है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक कैमरे के लिए कौन सा एक्सटर्नल मॉनिटर बेस्ट है। तो जिसके बारे में दोस्तों बता रहा हूँ वो है फील वर्ल्ड कंपनी का एक्सटर्नल मॉनिटर। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं या काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले बता दूं कि किस किस जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपकी ये हेल्प करेगी। सबसे पहले है दोस्तों बता दूं कि जब हम डे लाइट में काम करते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं जो हमारा सोनी का डिस्प्ले है कैमरे का, उनके अंदर ब्राइटनेस बहुत कम होती है और दूसरी बात बहुत छोटा स्क्रीन होता है, 2.5-3 इंच का स्क्रीन होता है, तो जिसमें हम अच्छे से नहीं देख पाते कि फेस टोन क्या आ रही है, कैसी क्लैरिटी आ रही है। तो इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर 3D LUT। इसकी खासियत बताएंगे अभी, अनबॉक्सिंग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो 2200 nit। 2200 nit का मतलब है दोस्तों ये इसकी जो डे लाइट के अंदर यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डे लाइट व्यूएबल HDMI मॉनिटर। इसका मतलब है दोस्तों कि आप डे लाइट में इसकी ब्राइटनेस अप कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी इसके काफ़ी मॉडल्स आए हैं, जो ये मॉडल है दोस्तों देख सकते हैं 7 LUT 7 Pro है जो इस मॉनिटर है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है LUT 7 Pro। तो ये मॉनिटर LUT 7 Pro है। इसके अंदर दोस्तों ये खासियत है कि 3D अगर आप SLOG पे शूट कर रहे हैं तो इसके अंदर 3D कस्टम LUT दिए गए हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। दूसरा आपको कमी जो भी मतलब जैसे होता है ना, ये एक डायरेक्टर मॉनिटर है, जैसे कोई आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं या गाना शूट कर रहे हैं, ऐसी कमर्शियल एड शूट कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करेगी। जब भी आप शूट करते हैं तो डायरेक्टर देख सकता है कि DOP क्या शूट कर रहा है, कोई गलती या थर्ड पार्टी बंदा तो नहीं बीच में आ रहा है, या कोई गलती तो नहीं हो रही, इससे फोकस ठीक है, सब कुछ फोकस पीकिंग ठीक है, मतलब जो फोकस स्पीकिंग होती है दोस्तों कि बंदा सब्जेक्ट हमारा फोकस में है या नहीं, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या, 3D LUT है, वेव फॉर्म है, वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम, पीकिंग फिल्टर, एनामोर्फिक मोड है, और यहाँ पे फाल्स कलर, एक्सपोजर, जूम, इमेज फ्लिप, मतलब इमेज को टेढ़ा रोटेट कर देना सिम, और यहाँ पे एम्बेडेड ऑडियो और 9 ग्रिड। देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं इसके अंदर, और आप इसे वायरलेस ट्रांसमीटर के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर क्वालिटी जो आप अपनी अब निकाल रहे हैं इसे यूज़ करने से आपकी क्वालिटी डबल हो जाएगी, कभी आप इसे यूज़ करिएगा प्रोफेशनल लेवल पे, तो ये बहुत अच्छा मॉनिटर है फील्ड वर्ल्ड का। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आइए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं जो इसका बॉक्स है, आपको इसे केस में डालने की या केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका बॉक्स ही बहुत सॉलिड है दोस्तों। ओके, इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पैकेज लिस्ट मिलती है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है एक्सेसरी। एक मॉनिटर मिलता है, HDMI केबल, टिल्ट आर्म एंड रेंच मिलता है। रेंच का मतलब होता है दोस्तों कि जो स्क्रू को ढीला करते हैं, और मैनुअल मिलते हैं। मैनुअल दोस्तों ये है, इसके अंदर सारी यूज़र मैनुअल, यहाँ पे सारे इसके फीचर लिखे हुए हैं, कैसे यूज़ करना है सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। और जो F97 जो बैटरी है इसके अंदर एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं, एंड पावर किट, मतलब आपके पास पावर बैंक वगैरह, आप उससे भी इसे ऑन कर सकते हैं 12 वोल्टेज देके। ओके दोस्तों, ये मिलता है हमें मॉनिटर 7 इंच का, ये मॉनिटर है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा ब्राइट। और थोड़ा इसके बारे में बताते हैं अभी, पहले यहाँ पे दोस्तों HDMI इन एंड आउट का ऑप्शन दिया रहता है, DC 12 वोल्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे 12 वोल्टेज ऑन करना है तो यहाँ पे, आउट मतलब कैमरे को अगर आपने इसके ज़रिए चलाना है, ऑन करना है, यहाँ पे आप स्क्रू लगा सकते हैं, जैसे स्टैंड वगैरह पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो 3D LUT की बात कर रहा था, कस्टमाइज हैं जो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालेंगे अपने LUTs, मनपसंद LUT इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है F1 F2 F3, ये शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, अगर कोई सेटिंग करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पे आप
शॉर्टकट सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ से टच ऑन ऑफ या पावर ऑन ऑफ करना है दोस्तों। और जो इसके अंदर बैटरी डलती है वो आपको बताया है F970, जैसे LED की बैटरीज होती हैं, जो हमारी नॉर्मल बैटरी ही डलती है। मैं डिजिटेक की यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इसे मैं इस तरह से ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रेड लाइट शो हो जाएगी और इसे ऑन कर देना है दोस्तों, छोड़ देना है 3 सेकंड के लिए आपको पुश करना है। तो देख सकते हैं ऑन हो चुकी है दोस्तों फील्ड वर्ल्ड। यहाँ पे एक डिवाइस दिया गया है इन्होंने, एक जगह लगाई हुई है यहाँ पे, आप एक एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपके पास Mars 400 वायरलेस सिस्टम है या आपकी बैटरी है, बड़ी बैटरी यूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हमें मिलता है टिल्ट आर्म मिलती है, आप अपने कैमरे से इसे लगा सकते हैं आर्म को। और इसके बाद दोस्तों हमें HDMI केबल मिलती है, HDMI प्लस मिनी HDMI, जो कैमरे से मीटर तक लगेगी आपके। और यहाँ पे है आपको मिलता है रेंच, तो इससे आप स्क्रू को ढीला कर सकते हैं दोस्तों। यही एक्सेसरीज के साथ में मिलती है, बैटरी इसके अंदर नहीं आती, यही मुझे थोड़ा सा कमी लगा इसके अंदर, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, आप उसे बैटरी को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल मॉनिटर दिया गया है, विदाउट बैटरी आप अपना वायरलेस सिस्टम इसके ऊपर लगा सकते हैं, सिंगल बैटरी से आप इसे पावर दे सकते हैं दोस्तों मॉनिटर एंड वायरलेस सिस्टम को। यहाँ पे HDMI लगाएंगे और इसे ऑन कर देंगे, विदाउट बैटरी ये देख सकते हैं अपना वायरलेस सिस्टम ऑन हो चुका है, सिर्फ सिंगल बैटरी चाहिए हमें। यहाँ से दोस्तों आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लट को ऑन कर सकते हैं अगर S-Log का लट चाहिए आपको, यहाँ पे सारी सेटिंग दी रहती है दोस्तों। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको ब्राइटनेस मिलेगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारी सेटिंग्स आ रही हैं, कैमरे में किस लोग पे शूट करें, शटर स्पीड केल्विन कितना है। जैसे ही आप इस स्क्रीन के ऊपर डबल टच करेंगे सेटिंग्स आ जाएंगी, फर्स्ट पे फोकस असिस्टेंट देख सकते हैं, फोकस लेवल, मोनोक्रोम, जेब्रा और फाल्स कलर्स भी ऑप्शन है इसमें, रिटर्न चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको 9 ग्रिड, सेफ्टी मार्क, सेंटर मार्क और सब तरह के आपको मार्क मिलेंगे। और यहाँ पे आता है दोस्तों एनामोर्फिक मोड, ऑटो मिरर, फ्लिप H&V, जूम, फ्रेम फ्रीज। यहाँ पे दोस्तों लट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप, जैसे S-Log 2, 3, लॉग विलॉग के भी ऑप्शन दिए रहते हैं। और HDR ऑप्शन, कलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन। और सेटिंग के अंदर दोस्तों F1, 2, 3 का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, और OSD अल्फा, काफ़ी सारे ऑप्शन। यहाँ से ब्राइटनेस है और यहाँ से वॉल्यूम आप अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि इस मॉनिटर की क्या खासियत है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।